नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। अगर आप बिहार से हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में कार्यपालिका सहायक के लिए भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर और कब से इसके प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और कौन कौन से वो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। संविधान आधारित इस नियुक्ति के लिए पंचायती राज विभाग प्रस्ताव भी पारित करने वाला है। चुनाव संपन्न होने के बाद वित्त विभाग और फिर कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद जो है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 12वीं पास छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आप भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायकों का चयन किया जाएगा। सभी 8067 ग्राम पंचायतों में दो दो कार्यपालक सहायकों के पद स्थापन को लेकर इसकी नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अभी एक एक कार्यपालक हर पंचायती राज विभाग में है, इसको अब बढ़ाकर दो किया जाएगा और इसी के अंतर्गत जो है 8067 ऐसे नए लोगों की नियुक्ति की जाएगी। पंचायतों में स्थापित RTPS काउंटर, लोक सेवाओं का अधिकार कानून को नियम रूप से बेहतर रूप से संचालन को लेकर और एक एक कार्यपालक की नियुक्ति होनी है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही इसको लेकर अभी तक कोई भी डेट नहीं निकाला गया कि कब से छात्र जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया होगा। हालांकि इसको लेकर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह ज़रूर बताया गया है कि आप 12वीं छात्र जो भी 12वीं पास जो भी छात्र हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, अच्छी खासी उनको टाइपिंग आनी चाहिए। तो अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं और चाहते हैं कि आप इस नौकरी के लिए अप्लाई करें तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।